आशुतोष, आप मुझे थोड़ा सा वो मार्ग बता सकते हैं जहां इस वक्त हम देख रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री कौन से रास्ते से जा रहे हैं और उसके बाद कैसे हनुमानगढ़ी होते हुए उस रास्ते से होते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे, वो थोड़ा खाका खींच सकते हैं हमारे लिए? बिल्कुल अजय, अगर आप जो है राजधानी लखनऊ की तरफ से आते हैं तो राजधानी लखनऊ से गोरखपुर को जो हमारा हाईवे जाता है, उस हाईवे पर अयोध्या धाम जो है वहां से प्रवेश करते ही अयोध्या धाम में आपसे जो है इस बात का एहसास होगा। और खास तौर पर यहां पर जो व्यवस्था की जा रही है इस तरह से की जा रही है कि जो भक्त अपने भाव को लेकर के आए उन्हें यहाँ पर प्रवेश करते ही अयोध्या में अपना वातावरण दिखाई दे और वह धर्म पर कहलाता है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर करके लोगों से अभिवादन स्वीकार करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे जी। धर्म पक्ष होते हुए प्रधानमंत्री लता मंगेशकर की याद में बनाए गए इस चौराहे पर पहुंचेंगे और कहीं न कहीं इसके पीछे संपूर्ण अयोध्या का जो नाम निर्माण किया जा रहा है उसके पीछे चाहे शास्त्र हो चाहे संगीत हो सबको एक मिश्रित भाव देते हुए खड़ा किया जा रहा है। यही कारण है कि लता कृष्ण और लता का नाम इस चौराहे को दिया गया और इस चौराहे को होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे और हनुमानगढ़ी के सामने से होते हुए भगवान श्री राम लला के स्थान पर पहुंचेंगे जहां उनका प्रवेश द्वार है। इसके साथ ही वो रेलवे स्टेशन पहुंच चुके, रेलवे स्टेशन से फिर से एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो है धर्मपथ की, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशुतोष शुक्ल जो कि इस वक्त हनुमानगढ़ी के पास बिल्कुल हैं बता रहे थे कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के पहले हिस्से में धर्मपथ पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जनता जनार्दन का और पोस्टर बैनर के जरिए लगातार उनका स्वागत और साथ ही साथ जनता को भी जो विकास कार्य हैं उनकी जानकारियाँ देते हुए ये जो बैनर पोस्टर्स हैं खास तौर पर विकसित भारत की जो विकास यात्रा शुरू की गई है। अगर आप थोड़ी देर बाद देखें तो ये जो काफिला है प्रधानमंत्री का पहुंचे का लता मंगेशकर चौक जहां पर तीन विकसित भारत की मोदी की गारंटी की गाड़ियां लगातार लोगों को विकास के कार्यों के बारे में बताती रहे। आप पीछे देखिए 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कैसे योजनाओं के लाभ के साथ जोड़ा गया है उसकी जानकारी और जनता जनार्दन भागते हुए कार के काफिले के साथ सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक तस्वीर और वेद मंत्रोच्चार इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर वेद मंत्रोच्चार के जरिए उनका स्वागत किया जा रहा है फूल मालाओं के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत। और आशुतोष शुक्ल लगातार पल पल पर जो हमारी गतिविधियां उस पर नज़र रखे हुए हैं। राजेश राज हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, आपने भी जायज़ा लिया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, लेकिन आप चूँकि बिहार से आते हैं माँ जानकी की जो धरती है वहाँ से आते हैं, कैसे बिहार के लोग आज नई सुविधाओं के साथ अपने आप को अयोध्या के साथ जुड़ते हुए पाएंगे? देखिए अजय, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अवध और मिथिला के जो संबंध हैं वो बेहद पुराने हैं और इस संबंध की जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जो आपका जो परिचालन शुरू होगा तो इन संबंधों की कड़ी और भी आगे बढ़ेगी। और हम सब लोग जानते हैं कि अवध भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और मिथिला उनका ससुराल है। माता जानकी की जो जन्मभूमि है वो सीतामढ़ी है और यह जो ट्रेन है अमृत भारत जिसका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, यह ट्रेन आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलकर अयोध्या होते हुए, श्री राम जन्मभूमि से अयोध्या होते हुए, माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा मिथिलांचल तक की यात्रा जब करेगी तो अवध और मिथिला की दूरियां ही नहीं घटेंगी बल्कि दिलों के बीच जो हम कह सकते हैं कि जो रिश्तों की जो प्रगाढ़ता है, गर्माहट है, वह भी देखने को मिलेगी और जो पौराणिक संबंध है, जो पुराने जो रिश्ते रहे हैं वह भी आगे बढ़ेंगे। और वंदे भारत जैसी हाई क्लास ट्रेन जब भारतीय रेल ने चलाया और उसकी सफलता को देखकर जब विपक्ष के लोग ये कहते थे कि सिर्फ एक क्लास को प्रभावित करने के लिए ट्रेन चलाई गई है तो अमृत भारत ट्रेन जो है ये नॉन एसी ट्रेन है और यह तमाम जो सामान्य लोग हैं उनके सपनों पर खड़ा उतरने की कोशिश जो है वो बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल सही कहा आपने राजेश, चूंकि मिथिला के रस से बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं है कि मिथिला का रस कैसे आपको प्रेम में सराबोर कर देता है, इसलिए जब ये सुविधाएं बढ़ेंगी तो
माँ जानकी की धरती, जैसा कि आप कह रहे हैं, सीतामढ़ी और दरभंगा से होती हुई जो अमृत ट्रेन चलेगी, और इस वक्त आप देख रहे हैं रामकथा पार्क, जो कि बिल्कुल पास में है लता मंगेशकर चौक के, वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। ये स्तंभ जो देख रहे हैं वो नए भारत के नए विकास स्तंभ हैं। अलग मार्ग पर थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको सुलभ शौचालय दिखाई देंगे, यानी बिल्कुल स्वच्छता का ख्याल रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जिसके लिए हमेशा कहते रहे हैं कि जो भी तीर्थयात्री आएं वो अपना ख्याल रखें, साथ ही साथ शहर का ख्याल रखें, उस तीर्थ का ख्याल रखें जहां पर वो तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए जा रहे हैं। ये जो स्तंभ है, अभी उसकी खूबसूरत आभा आप शाम को देखिएगा, जब यहाँ पर ज़बरदस्त लाइटिंग होती है तो इस स्तंभ के जरिए कैसे एक विकास का द्वार आपको दिखता है। ये बिल्कुल लता मंगेशकर चौक पर इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, अनेक संगीत और वाद्य यंत्र के साथ सैकड़ों लोग इस वक्त लता मंगेशकर चौक के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए। उत्सुकता लोगों को ज़रूर थी, लेकिन उत्सुकता थी 22 जनवरी की। आज के दिन का अंदाज शायद किसी को भी नहीं रहा होगा कि प्रधानमंत्री 22 जनवरी से पहले आज 30 दिसंबर को भी, यानी 2023 खत्म होते होते एक बार अयोध्या का दौरा करेंगे, साथ ही साथ अयोध्या को कई हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। बहुत सारी परियोजनाएं पिछले 2-3 साल से जो नए अयोध्या का मास्टर प्लान है उसके तहत चल रही थी, उसमें आज 2 बड़ी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं, जिसमें कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो 2 परियोजनाएं हैं, एक परियोजना दुनिया को कनेक्ट करेगी भगवान राम के धाम से, तो दूसरी परियोजना देश के विभिन्न हिस्सों को भगवान राम के धाम से कनेक्ट करेगी। आशुतोष, क्या आप मेरे साथ बने हुए हैं? नमस्कार आशुतोष, क्या आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल अजय, मैं आपके साथ हूँ। और इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे अयोध्या में प्रवेश कर रहा है, और अयोध्या में जो धर्मपथ के ये काफिला रामपथ की ओर मुड़ेगा, रामपथ से हनुमानगढ़ी की ओर जो रास्ता जाता है वो भक्तिपथ का जाता है, लेकिन भक्तिपथ आज प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, आज रामपथ होते हुए वो नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए जाएंगे, जहां पर अयोध्या से और देश और दुनिया कनेक्टिविटी के लिए तमाम सारी ट्रेनों को जो है हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही नवनिर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। आप अगर देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से लोगों में शांति के साथ अपने उस नायक का जो है स्वागत कर रहे हैं, जो उनको कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के मन में है, जिस तरीके से भगवान श्री राम का मंदिर यह बन रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का योगदान है। जिस तरह से अयोध्या का विकास हो रहा है उसमें सरकार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, और उनके कार्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अयोध्या वासी आज सड़क के दोनों ओर खड़े हुए हैं। वास्तव में आगे अगर हम कहें तो राम का जो स्वरूप है, राम का जो वांग्मय है, वह एक विराट स्वरूप है, वह एक विराट वांग्मय है। उस वांग्मय में संपूर्ण राष्ट्र समाहित होता है, और जब बात राष्ट्रीय एकीकरण की होती है तो बात सिर्फ यही होती है कि भगवान राम का जो स्वरूप है वही राष्ट्रीय एकीकरण का एक मत स्वरूप है। और यही कारण है कि लामा इकबाल ने भी भगवान राम को जो है इसको इकरार हिंद कहा, और यही कारण है कि चाहे जो संस्कृति और सभ्यता रही हो, सारी सभ्यता और सारी संस्कृति के लोगों ने भगवान राम के चरित्र को माना है, और ये कारण स्पष्ट है। भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार जिन्हें गद्दी मिलने जा रही है, उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है, उन्हें वन गमन की जो है अनुमति दी जाती है, आदेश दिया जाता है, और जब भगवान राम राजकुमार के रूप में वन में जाते हैं और वहां से 14 वर्ष के बाद लौट करके आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में होते हैं। भगवान श्री राम ने न कोई उपदेश दिया, न कोई ज्ञान की बात कही, लेकिन समाज जीवन और व्यक्ति के हर पल को जागृत किया, हर पल को जी करके बताया कि व्यक्ति को अपने जीवन को किस तरह से अनुशासित रख जीना चाहिए, राष्ट्र के प्रति उसका क्या समर्पण होना चाहिए, भाई के प्रति क्या होना चाहिए, पिता के प्रति क्या होना चाहिए, समाज के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, राजा के रूप में उसका व्यवहार क्या है। और यही कारण है कि राम राज्य की आज भी कल्पना की जाती है, और उसी राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के सड़कों पर हैं। कभी वो धर्म पथ पर है, कभी राम पथ पर है, कभी भक्ति पथ पर है, लेकिन सारे पथ एक उस रणनीति की ओर जाते हैं कि सारे पथ
इस शांति की ओर जाते हैं जिसकी न केवल देश को बल्कि दुनिया को जरूरत है। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर इस दृश्य की बात करें तो ये सामान्य दृश्य नहीं है आशुतोष, और कई दिनों से आप उस अयोध्या की परम पावन धरती पर निवास कर रहे हैं जिसकी हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, हम लोग सोचते हैं, लेकिन आपका भाग्य अद्भुत है क्योंकि भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि ये तो बहुत ही दुर्गम नगरी है, वहाँ पर रहना, वहाँ पर तपस्या करना, वहाँ पर दान करना ये बहुत ही दुष्कर है, और अगर आपको अयोध्या वास मिल जाए सुदुष्कर है। अगर आप एक पग पग इस अयोध्या की धरती पर बढ़ाते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यावत् पदानि रामस्य मार्गम गच्छति मानुषः पदे पदे अश्वमेधस्य यज्ञस्य लभते फलम्। एक एक पद, तो आप देख रहे हैं कि जो ये सुरक्षा कर्मी भी एक एक पद इस वक्त काफिले के साथ बढ़ा रहे हैं, और सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग अभिवादन कर रहे हैं, भले ही इस वक्त मौका प्रधानमंत्री के अभिवादन का हो, उनके स्वागत का हो, क्योंकि विकास पुरुष कहे जाते हैं, विकास की बड़ी सौगातें आज अयोध्या को मिलने जा रही हैं, लेकिन अपने आप में ये तीर्थ यात्रा से कम नहीं है और एक बहुत ही अनोखा अवसर अयोध्या वासियों के लिए इस वक्त आप देख रहे हैं। धर्म पथ से चलते हुए अब राम पथ, जो तीन मुख्य पथ कहे गए हैं आज की नई अयोध्या, जिसको आप कहें नई अयोध्या, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नई अयोध्या और पुरानी अयोध्या के आप रिलेट कर सकते हैं कि एक तरफ संस्कार, विचार, संस्कृति और जो विरासत है उसको संरक्षित करते हुए प्राचीन अयोध्या के जो प्राचीन संस्मरण हैं उनको कैसे संरक्षित रखते हुए नए कीर्तिमान और नए स्थलों का विकास किया जा रहा है। इसमें न केवल भव्य राम मंदिर बल्कि 148 आध्यात्मिक स्थलों का विकास एक साथ किया जा रहा है। दूसरी तरफ नई अयोध्या बन रही है जिसमें वर्ल्ड क्लास विश्व स्तर की आपको रेलवे स्टेशंस, विश्व स्तर के आपको इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा उसका निर्माण और सड़कों का निर्माण, यानी सड़क परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन और साथ ही साथ वाटरवेज, उसको भी आप नहीं भूल सकते हैं क्योंकि अयोध्या शायद एशिया का पहला शहर होगा जिसको वाटरवेज यानी सरयू के किनारे किनारे डेवलप करके एक नया मॉडल देने की कोशिश की जा रही है इस हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने की। आशुतोष, $1 trillion इकॉनमी की बात करता है उत्तर प्रदेश, अयोध्या लगता है कि अब नए कलेवर में आने को तैयार है और विकास की भी जो गाड़ी है यहां से अब और रफ्तार पकड़ने वाली है, चाहे रेल के जरिए या फिर वायुयान के जरिए। देखिए अजय, अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ अयोध्या नहीं, मथुरा, काशी और प्रयागराज, ये ऐसे तीर्थ स्थान है जो सनातन धर्म और सनातन मतावलंबियों के लिए संपूर्ण दुनिया से बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर जो भी व्यवस्था होगी, जो भी आर्थिक विकास होगा, जितना यहाँ की संरचना बढ़ाई जाएगी उतना ही आर्थिक विकसित होने का की संभावनाएं यहाँ पर अपार रूप से है। वाराणसी में जब से विकास के कार्य जो है तमाम स्तर पर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, आप जान सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह से दर्शनार्थियों की तादाद में वृद्धि हुई, किस प्रकार से वहाँ का कृषि उद्योग जो है वो विकसित हुआ, किस तरह से आस पास की जो खपत की, चाहे वो सब्जी की हो, खेलने की हो, चाहे अन्य चीजों की हो, सारी खपत बढ़ी और समाज के सारे तबकों को जो है उस वृद्धि का लाभ मिला, आर्थिक रूप से उन्हें संपन्नता आई। वही स्थिति कमोबेश अयोध्या में भी लाने की कोशिश की जा रही है। जब पर्यटन बढ़ेगा, लोग आएंगे, जरूरतें बढ़ेंगी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है अयोध्या के लोगों की जो वार्षिक इनकम है उसमें भी फर्क पड़ेगा।